जा रहे हैं हम दोस्तों दोस्तियाँ रूम पे। सो आज मैं आपको बताऊंगा यार, घर से बाहर रहने वाले नौकरी करने वाले लोगों लड़कों का लाइफ स्टाइल कैसा होता है, कैसे उनका रूम है और कैसे वो रहते हैं। सो चल रहे हैं उनके उसके रूम पे, तो सारी सुबह से उसके मेरे को कॉल पे कॉल आ रहे हैं यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बिकॉज वो है अकेला, उसको अच्छा नहीं लग रहा अकेले अकेले। सो चल जाना है उसके साथ। रात को भी हम 8 घंटा करा और हमारा सुपरवाइजर रोक रहा था हमें, तो हम 3 बंदे थे, तीनों के तीनों भाग गए। सुपरवाइजर वहाँ फोन में बात करने लगा, प्रोडक्शन लिखाते ही हम गायब हो गए बिल्कुल, पंच मार के एकदम 9 to 11। सो तीनों के तीनों भागे और ऐसी रूम पे पहुंचे, तो 1-2 बजे में फोन करा उसके, कहाँ हो यार भाई, मैं बोला मैं तो रूम पे हूँ। सो ऐसी बात भी, अभी मेरे को बुला रहा है वो, चलते हैं, उसने कुछ बना रखा है, देखो क्या बना रखा है, क्या आता है लड़के को बनाना है। तो यहाँ पर मैं आधे रास्ते में पहुंच चुका हूँ, चिलचिलाती धूप लग रही है बहुत जबरदस्त वाली, तो क्या कर सकते हैं, पर जाना पड़ेगा। उसने खोल कर करके परेशान करके रखा है मुझे, अभी सो ही रखा था मैं, उसने फोन करे और आ जाओ बोल के परेशान कर दिया, इसलिए जा रहा हूँ। यहाँ पर से थोड़ा 2 मैगी भी लेते हैं यार, बहुत टाइम से मैगी भी खाई नहीं है, तो वही बनाएगा मैगी भी, हम ले जा लेते हैं यहाँ से मैगी जल्दी। तो यार मजा आने वाला है। तो यार यहाँ पर ले ली है मैगी, इसका प्राइस भी 12 रुपये है, पहले 7 रुपये वाली थी छोटी सी अजीब सी मिल रही, 10 रुपये वाली एक ही थी यार, तब दो ले, 12 वाली मिली दोनों, 12 वाली 24 रुपये का ये पड़ा है। तो देखते हैं आज ट्राई करके, ये है तुम्हारा पतंजलि का, देखते हैं किस टाइप की मैगी है, बोल तो रहा है स्पाइसी है, कैसा स्पाइसी होता है बिना चखे तो पता चलने से रहा। तो यार देख सकते हो ये शख्स है वो जो हमें सारी सुबह से कॉल कर रहा था, तो इसी शख्स के रूम पे जा रहे हैं अभी, शख्स के रूम पे हम जा रहे हैं। तो शख्स अकेला रह रहे कि परेशान हो रहा था यार। तो फाइनली पहुंच चुके हैं इन भाई साहब के रूम पे, कुछ इस टाइप का रूम है, उन्होंने झाड़ू फूड़ू भी मारा है वगैरह सारी सुबह से, पर कुछ बना तो दिया ही है। तो यार गाइस ये कुछ बनाया है भात का, तो भाई साहब ये है क्या चीज? कुछ तो बनाया है पर पता नहीं क्या है। अपने भाई ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, ये कुछ तो बनाने की कोशिश करी है, पर ये खीर है चावल है क्या चीज ऐसा कुछ पता चल नहीं रहा है इसे देखकर, जो भी है अच्छा ही होगा, मेहनत बहुत करी है भाई ने इसको बनाने के लिए सारी सुबह से। तो यार कुछ ऐसा होता है लाइफ स्टाइल घर से बाहर रहने वाले बंदों का, देख ही सकते हो यार, पता नहीं क्या बनाया है क्यों बनाया है कुछ मतलब नहीं, पर खाने से मतलब है। यहाँ पर गैस चला दी है और रख दिया है ये पानी, यहाँ पर ये 5 लीटर का टंकी है, अगर ये खाली हो गया तो ये मैगी आधे में ही फंस जाएगी। तो फिर ऐसा करते हैं यार गाइस, फाड़ देते हैं मैगी के पैकेट को और उसके अंदर से मसाला निकालते हैं पूरे जी जान से और उसको इसमें डाल देंगे हम। तो यार गाइस यहाँ ट्रेजेडी हो गई है अचानक, ये देख सकते हो नीचे से बंद हो चुका है, पता नहीं क्या हुआ है, यहाँ पर एक भद्दा मजाक सा होने लगा है, पता नहीं चल रहा हो गया रहा है यार, सडनली अचानक ही यहाँ पर गैस खत्म हो गया यार, भाई जा रखा है पड़ोसी है यहाँ मैगी बनाने के लिए, आज तो मैगी खानी ही खानी है, चाहे कुछ हो जाए दुनिया इधर से उधर हो जाए, जाओ भाई। तो यहाँ पर गैस टंकी भराने आए गए हैं हम, यहाँ पे मिल गया है नजदीकी जहाँ पर गैस टंकी भर जाएगी, तो 100 रुपये किलो है, 110 रुपये किलो है, तो 1 किलो भराएंगे, फिलहाल हमें मैगी बनाना है अपना। तो यहाँ पर टंकी भर रही है फर्स्ट क्लास, और भाई ने वहाँ पर गैस लगा दिया है 1 किलो का, जब 1 किलो हो जाएगा तो अपना भी पता चल जाएगा। तो यार गाइस फाइनली यहाँ पर बन चुकी है टेस्टी मैगी, खाने में तो बिल्कुल मजा ही आ जा रहा है यार, 1 नंबर मैगी बनी है। तो अब जाइए मेरे साथ
मैं उस टाइम एमपी में, देवास, तू जल्दी जल्दी आ जाओ यार, अगर मैगी खानी है तो ये खत्म हो जाएगी तो दूसरी बना दूंगा मैं आपके लिए। मैं, मेरा बड़ी, ये मेरा शेफ है, ये बनाएगा मैगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।